हेलो एंड वेलकम बैक व्यूअर्स। आज हम कोरोना वैक्सीनेशन से जुड़े हुए बहुत सारे सवाल हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उन पर बात करेंगे। उसमें जो सबसे पहला आपका सवाल है वो है कि कोरोना की जो वैक्सीनेशन है उसकी जो दोनों डोजेस होती है उसमें कितना अंतर होता है। इसमें प्रेजेंट टाइम में जो कोरोना कोविशील्ड लग रही है उसमें 42 से 56 दिन का अंतर होता है दोनों डोजेस के बीच में, और जो दूसरी कोवैक्सीन है उसमें लगभग 28 दिन का जो है अंतर है। नेक्स्ट आपका सवाल है कि कोवैक्सीन और कोविशील्ड में कौन सी बेटर है। तो क्लिनिकल ट्रायल में दोनों ही बेस्ट हैं और दोनों ही वायरस को रोकने में पूरी तरीके से कारगर है। नेक्स्ट आपका सवाल है कि दोनों में से कोई भी वैक्सीन मैं अपनी मर्जी से कभी भी लगवा सकता हूं, तो ऐसा नहीं है। आप जहां पर भी जा रहे हैं, जिस सेंटर पे वैक्सीनेशन कराने, वहां पर जो उपलब्ध है आपको वही लगवानी होगी। मुझे पहले कोरोना हुआ था, अब मैं ठीक हूं, तो क्या अभी भी मुझे कोरोना वैक्सीनेशन की जरूरत है? तो बिल्कुल है। कई बार ऐसा देखा गया है कि री इन्फेक्शन के मामले भी सामने आए हैं, तो जब आप ठीक हो जाए तो उसके बाद आपको वैक्सीनेशन कराना है। किन्हें वैक्सीनेशन नहीं कराना चाहिए? ऐसी वुमेन जो प्रेग्नेंट वुमेन है या जो ब्रीस्ट फीडिंग करा रही है बच्चे को, या जिनको इस समय कोरोना है या फिर जिन्हें बहुत गंभीर बीमारी है, वो अभी वैक्सीनेशन नहीं करा सकते। नेक्स्ट सवाल, पहला डोज कोविशील्ड का लगवाया है, दूसरा कोवैक्सीन का लगवा सकते हैं? तो ऐसा नहीं है। जिस वैक्सीन का पहला डोज आपने लिया है आपको दूसरा भी सेम उसी वैक्सीन का लेना है। नेक्स्ट आपका सवाल है कि क्या वैक्सीनेशन पीरियड्स पे भी कोई असर डालता है वुमेन्स के? तो ऐसा नहीं है। पीरियड्स बिल्कुल अलग प्रक्रिया है और वैक्सीनेशन का इस पर या वैक्सीनेशन का इससे कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट आपका सवाल है कि वैक्सीन की कीमत कितनी है? तो गवर्नमेंट सेक्टर में ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, और अगर प्राइवेट सेक्टर में आप इसको लगवाते हैं तो इसकी कीमत 250 रुपये है। लगवाने के बाद लगभग लक्षण क्या आते हैं? तो नॉर्मली इसमें हल्का सा सरदर्द आपको महसूस होगा और फीवर आएगा, और जहां पर आपने वैक्सीनेशन कराया है वहां पर कुछ दिन तक या 4 से 5 दिन तक आपको हल्का सा दर्द महसूस हो सकता है। जहां तक दवाओं की बात है तो डॉक्टरी सलाह से आप नॉर्मली जो फीवर की हमारी दवाई है वो आप ले सकते हैं, उसके अलावा ज़्यादा कुछ आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। ये कुछ दिन में अपने आप ही ठीक हो जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सवाल थे जो आप पूछते हैं, जिनमें बहुत सारे कन्फ्यूजन थे। आई थिंक सो कि ये सारे क्लियर हो गए होंगे, और डरने की जरूरत नहीं है, मनोबल बढ़ाने की जरूरत है, और इस समय सबको जागरूक करने की जरूरत है कि अगर हमें इस वायरस से बचना है तो अपना प्रॉपर समय पर वैक्सीनेशन कराना जरूरी है, जिससे कि हम वायरस से सुरक्षित रहें। तो थैंक्स अ लॉट हमारे वीडियोस को लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए, और इतना सारा प्यार देने के लिए। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। टिल देन कीप स्माइलिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।